क्या अभी मेरे तरह कंफ्यूजन में हो कि रेड क्रिमिनल बेक आएगा या नहीं बेक आएगा, और आएगा तो कब आएगा, जानना चाहते हो क्या? तो गाइस इस वीडियो में आप सभी को टोटल जानकारी में आप सभी को देने वाला, पता क्या क्या मैं बताने वाला इस वीडियो में, आप सभी को बताऊंगा रेड क्रिमिनल कंफर्म डेट। बिल्कुल यार, आएगा या नहीं आएगा वो तो छोड़ो, कंफर्म डेट बताएंगे। जब कंफर्म डेट बता रही है इसका मतलब आप लोग कंफर्म हो सकते हो या आने वाला है, बट कौन सा इवेंट में आएगा जानना चाहते हो तो वो भी आप सभी को बताएंगे, बट क्यों आएगा वो भी जानना चाहते हो ना, सब कुछ आपको बताएंगे। देखो हम लोगों को पास तो नहीं है तो हम लोग के लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन जिनका पास है भाई उनके लिए भला आप समझ सकते हो। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो में आगे मतलब खो नहीं जाओ, मतलब भूल ही जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं आप सभी को अभी याद दिला देना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है? लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी टाइप को और भी कन्फर्म न्यूज इवेंट वगैरह सब कुछ मिलते रहेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वगैरह शेयर कर देने। भाई बहुत चैनल डाउन है यार, क्या कर रहे हो आप लोग, शेयर कर दो, ठीक है? चलो हम सबसे पहले आप सभी को बताएंगे क्या सच में रेड क्रिमिनल बेक आने वाला और क्यों आने वाला। तो भाई इसका आंसर मात्र एक ही है कि जी हाँ, रेड क्रिमिनल आप सभी को बेक आने वाला है, वो कन्फर्म है। अब देखो क्यों आने वाला है, चलो वो आपको बताते हैं। अगर आप सभी को याद होगा तो 4th एनिवर्सरी के टाइम हम सभी को एक क्रिमिनल बंडल रिटर्न आया था, जो कि ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न आया था। पता है किन किन बंदों को याद है मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? और नहीं भी याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, 4th एनिवर्सरी में ही हम लोग का ग्रीन क्रिमिनल जो है बेक आया था एक इवेंट में, ऐसे इवेंट में जहाँ कि हम सभी को बहुत ज़्यादा डायमंड लग रहा था, बट उसका पीछे एक ट्रिक यूज किए थे हम सभी ने, जो कि 200-300 डायमंड में बहुत ही कम डायमंड में निकलने लगा था। तो भाई 4th एनिवर्सरी में अगर ग्रीन क्रिमिनल आ सकता है तो 5th एनिवर्सरी में रेड क्रिमिनल भी आ सकता है। ये तो एक तुक्के की बात है, आप लोग भी यही सोच रहे हो ना कि ये तो एक मतलब एक समझ सकते हो ओपिनियन है, एक प्रिडिक्शन है समझ सकते हो, लेकिन नहीं, मैं आप सभी को एक कन्फर्म डेट दिखाता हूँ, ठीक है? तो वो कन्फर्म एक इवेंट दिखाते हैं, उससे पहले आप सभी को एक और क्रिमिनल में दिखाना चाहूंगा। ये तो आप सभी को पता, जो भी फ्री फायर का अपकमिंग जो पुराना बंडल वगैरह होता है जो कि बहुत पॉपुलर होता है, उसे कॉपी करके कुछ ना कुछ कॉपी करके फिर से हमें बेक मिलता है, जैसे कि ब्लू एंजेलिक पेंट, हाँ एंजेलिक पेंट ब्लू वाला जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसे रेड में फिर से निकाला गया है ना, मतलब उसी टाइप का फिर से कॉपी करके और न्यू न्यू आते जाता है, क्योंकि उसे बंडल लोग निकाला और मतलब गेम का जो प्रॉफिट वगैरह होते रहे, जस्ट उसी टाइप का हम लोग सामने एक और क्रिमिनल बेक आने वाला जो कि कुछ ब्लू या नीला आसमानी जो भी आप बोल सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग देख सकते हो, जो कि बेक आने वाला है, ये 100% कन्फर्म है OB35 में, ठीक है? आप लोग ये देख लो, ये भी बेक आएगा और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डायमंड वगैरह लगने वाला है, ठीक है? और आपको बता देते ये ना डाटा माइनर लोग भी एक तुक्के से बना दिए, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, जो भी ग्लिच यूजर होता है ना, कॉम्फिंग फाइल जो ग्लिच यूजर वगैरह करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़रा जैसे वाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, क्रिमिनल वगैरह खुद से डिजाइन करके, मतलब खुद से कॉन्फिंग फाइल करके जो भी बेक वगैरह लाया था, मतलब वो लोग यूज करते थे वही, मतलब डाटा माइनर लोग वही कुछ करने लगे और हम लोग में छोटा छोटा मेहनत करके, यानी कि क्रिमिनल में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेहनत करने के बाद हम लोग को वो बेक दे दिया, ठीक है? तो देख सकते हो ये बेक आने वाला, ये 100% कन्फर्म है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे हो फिर रेड क्रिमिनल का क्या सीन है, अब बताओ। देखो रेड क्रिमिनल का बस एक ही सीन है, क्योंकि 4th एनिवर्सरी में जैसे कि आपको दिखाई इमेज में, देखो ऊपर में 4th एनिवर्सरी लिखा हुआ और ग्रीन क्रिमिनल बेक आया, उसी टाइप का इस भी एनिवर्सरी में, देखो इस एनिवर्सरी में हमें रेड क्रिमिनल देखने को मिलेगा, ये डाटा मैंने लोग बोला, ठीक है? बट कन्फर्म इवेंट भी उन्होंने बता दिया, ठीक है? कन्फर्म इवेंट वगैरह में निकल के आ चुका है, और इतना ही नहीं कन्फर्म डेट भी आप देख सकते हो। लेकिन कन्फर्म डेट देखने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप सभी को याद है ग्रीन क्रिमिनल कितना कौन सा डेट में आया था, याद है? नहीं याद है ना, लेकिन ये इमेज में देखो मैंने पहले भी आप सभी को देखाया था, ओनली लेजेंड लोग जो होंगे वो डेट देखेंगे, ठीक है? देखो ये जो डेट है उसी डेट में फिर से न्यू इवेंट आने वाला, और देखो ये कुछ भी इवेंट हो सकता है, लेकिन हाँ क्रिमिनल बेक आएगा, ठीक। 5th एनिवर्सरी का एक छोटा सा टीजर लॉन्च हुआ, ठीक है? इस टीजर में साफ साफ दिखाया जा रहा है लास्ट में एक फीमेल का रेड क्रिमिनल वाला, ठीक है? और ये जो भी टीजर वगैरह है सब कुछ बंडल हमें 5th एनिवर्सरी में रिटर्न मिलने वाला, कुछ ना कुछ इवेंट में, ठीक है? तो ये टीजर में तो आप आराम से एंड में देख सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या है, रेड क्रिमिनल आप सभी को दिख रहा है ना। तो गाइस आप लोग कन्फर्म हो सकते हो, और आप लोग अगर कन्फर्म डेट जानना चाहते हो तो आप लोग चलो अच्छे हैं, अभी तक जो वीडियो में बने होंगे उन्हें कन्फर्म डेट भी मैं बताऊंगा, लेकिन जल्दी से यार लाइक कर लो यार, क्या करो आप सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है? चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, इसी टाइप का आपको इंटरेस्टिंग से और भी वीडियो देखने को मिलता है ना तो सब्सक्राइब कर लो। तो को इसका कन्फर्म डेट 27 अगस्त निकल के आ रहा है, ठीक है? जो कि हम सभी को ये 5th एनिवर्सरी का पीक डे निकल के आ रहा है, ठीक है? आई थिंक पीक डे निकल के आ रहा है, 100% कन्फर्म नहीं, लेकिन 27 अगस्त को हम सभी को ये इवेंट, कोई भी इवेंट एक आने वाला जिसमें रेड क्रिमिनल बेक आने वाला है। अब निकल के याद आए कि आप लोग रेड क्रिमिनल निकालने वाले हो या नहीं, देखो इसमें भी सेम टू सेम वही होने वाला है जैसे कि ग्रीन क्रिमिनल के साथ हुआ, सारे बंदे लोग निकाले और अभी तो
भाई ग्लिच का मार चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा ग्लिचेस वगैरह आ रहा है, तो हो सके तो इसमें भी ग्लिचेस आ जाए और सारे बंदे लोग निकाल लें। तो अब मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि देखो अगर डायमंड है तो निकालो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है मत निकालो, क्योंकि ग्रीन क्रिमिनल को आप लोग देख रहे हो, कोई पूछता है अभी, उसी टाइप का सेम होने वाला है रेड क्रिमिनल के भी साथ। हम सभी को मतलब निकालना ना निकालना बात बराबर हो जाएगा, कुछ भी बेकाएगा अब वो सारे बंदे पास हो जाएगा, उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे भी गाइस मैं आप सभी को कन्फर्म डेट एंड कन्फर्म इवेंट सब कुछ बता दिया, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, नहीं लाइक किया तो कर लेना, ठीक है। उसी के साथ साथ जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप वगैरह में हो फ्री फायर के ग्रुप वगैरह में सारा जहाँ वीडियो को शेयर कर देना। चलो मैं एंड करते वीडियो को, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।